हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक पांडा वेब और मैं हूं आपका दोस्त राणा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप अपने पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी पेज को डिलीट करना या मर्ज करना, स्प्लिट करना, या अपने पीडीएफ से आप वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं या एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ आप किस तरीके से अपने पीडीएफ फाइल में आसानी से कर सकते हैं, तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक करके, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं किस तरीके से आप अपने पीडीएफ फाइल को आसानी से एडिट कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ अपनी पीडीएफ फाइल में कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीडीएफ फाइल को एडिट करने के लिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर पे गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल रखा है, और यहाँ पे गूगल पे जाके आपको सिंपल एक वेबसाइट यहाँ पे सर्च कर लेना है, SEJDA सजदा। जैसे आप इसे एंटर कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर बन के आ जाएगा सजदा हेल्प विथ योर पीडीएफ टास्क। जैसे कि पीडीएफ एडिटर है, यहाँ पे कंप्रेस पीडीएफ है, पीडीएफ टू वर्ड है, ये सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट के साथ कर सकते हैं। और इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको क्रोम एक्सटेंशन में ऐड कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट के थ्रू अपनी पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट पेज कर सकते हैं, पीडीएफ टू एक्सेल, एमएस ऑफिस के किसी भी पेज में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पीडीएफ एडिटर, किस तरीके से आप अपने पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ एडिट करने के लिए आपको पीडीएफ एडिटर पे जाना है। यहाँ पे आपको सिंपली अपने फाइल को अपलोड कर देना है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने फाइल को डायरेक्ट अपलोड करते हैं और वहीं पे आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने पीडीएफ फाइल को ओपन कर लूँगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरी पीडीएफ फाइल ओपन है। और सिंपल यहाँ पे किसी चीज़ को आप एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो लाइन है इसे अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल आपको टाइप करना है, और डिलीट करना चाहते हैं तो इस लाइन को आप सिंपल जैसे किसी वर्ड या एक्सेल में डिलीट करते हैं वैसे डिलीट कर सकते हैं। एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे किसी लाइन को डिलीट करके आप कुछ नया लाइन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम ऐड कर रहा हूँ, टेक पांडा। यहाँ से आपसे पूछेगा रिप्लेस ओरिजिनल या कीप ओरिजिनल आपको फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कर दिया सेलेक्ट और इसे टेक पांडा वेब यहाँ पे टाइप कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ डिलीट करके मैंने यहाँ पे एक न्यू लाइन यहाँ पे बिल्कुल भी टाइटल चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी अपने पेज में एडिट कर सकते हैं। कहीं और भी एडिट करना चाहते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और उसको डिलीट करना है, ऐड करना है या एडिट करना है, तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं इस चीज़ को। और काफ़ी ये आसान तरीका है, बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे फॉन्ट दिया हुआ है, कलर आप चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड रखना चाहते हैं, इटालिक रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको जो भी आप चेंजेस करने के बाद आपको सिंपली अप्लाई चेंजेस कर देना है। ये आपके ओरिजिनल फाइल को चेंज नहीं करती है, आपके लिए एक न्यू फाइल क्रिएट कर देती है, जिसे आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भी शेयर कर सकते हैं, अपने ड्रॉप बॉक्स में रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी, और इसे आप ओपन करके देख सकते हैं कि आपने क्या चेंजेस किया है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से चेंज हुआ है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आपने चेंज किया है अपने फाइल में दोस्तों। तो दोस्तों, इस वेबसाइट से आप अपने पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं और साथ में काफ़ी सारी और चीज़ कर सकते हैं, जैसे मर्ज कर सकते हैं, पीडीएफ टू वर्ड कर सकते हैं, पीडीएफ टू जेपीजी कर सकते हैं, और यहाँ पे वर्ड टू पीडीएफ भी कर सकते हैं, टेक्स्ट पीडीएफ टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन आपको एक ही सिंगल वेबसाइट में मिल जाता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि आप इस वेबसाइट को अपने क्रोम एक्सटेंशन में भी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद अपने फाइल को एडिट करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए आप डायरेक्टली एक्सटेंशन के थ्रू उस चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी यहाँ पर एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे। आप सिंपली जब यहाँ पे नाम टाइप करेंगे और उसके बाद सर्च करने के बाद आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगा, ऐड टू आपको क्रोम कर देना है, ये आपके क्रोम ब्राउज़र के एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद आप इस चीज़ को डायरेक्ट अपने एक्सटेंशन से यूज़ कर सकते हैं। आप वेबसाइट के थ्रू भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक्सटेंशन में ऐड होने के बाद आप यहाँ से भी पीडीएफ एडिटर, कंप्रेस, डिलीट फाइल, ये सारी चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरीके से आप आसानी से अपने पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।